हाँ जी, क्या क्या लेके आ गई आप? खबरदार। जी, तो जफरी खान आ गए पहला ही दिन, और पहले बारी उनका जो एक सेगमेंट होता है फरंगे आसफिया, तो उसमें देखते हैं वो तो कि किसी को उन्होंने समझ नहीं आई, उसमें तो इतने मुश्किल मुश्किल लफ्ज होते हैं उसके उर्दू उन्हें क्या नहीं के। समझ आ रही, मैनू नहीं आई होने के होंदा की है फरंगी फरंगे आसफिया ही बड़ी मुश्किल होता आसफिया है। मेरे को लो पूछो, मैंने नहीं समझ आई, हाँ समझ आई कि नहीं आई, वेलकम चले देखते हैं उनको आई कि नहीं आई। बैक। दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। अरे वाह वाह, वाह वाह। क्या बात और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज हमारा फिरोजा दोस्त फलोजी का जफरी खान पहली दफा इस अजियत से गुजरने वाला है। सर तुसी अजमाओ तो सही, मैं बहुत इंजॉय करांगा। नासिर सुनियोटी ने भी पहले दिन यही बात की थी और उसके बाद इस शो से ऐसा भागा कि सात समंदर पार जाके उसने ब्रेक लगाई थी। ने तुसी 10 मिनट बहना है, उस तो बाद तुसी मेरे अल घूर के वेखना है, फिर तुसी शाह जी अरे को पस्तौल मंगना है, और फिर तुसी मैनू इशारे ना जिवें तुसी कहंदे नहीं हुंदे, फिर तुसी मैनू बुला के ते डागास। नहीं, वो इतनी दिलचस्पी लेगा कि तुम उससे ये कहते सुनोगे क्या लिया डाला। ले हार डाला, देखा मैंने बताया था ना, ये टाइम अच्छा का बैठा बैठा जनाब, ले आज का हार। पहला लफ्ज जी आज रिवीजन नहीं होगी, रिवीजन निकल मेरे जहन से रिवीजन निकल गई थी। सानिहा, हाँ जी, तो सानिया हो जाना जी, वहां तो ये सानिया हो गया, कोई वाकया हो कोई खुशी की बात थी। सानिया के बारे में मशहूर है कि कोई ट्रेजेडी हो जाना जी, गमगीन खबर, गमगीन अच्छा, खबर, गमगीन खबर, हालांकि सानिया होता खुशी की बात। क्यों जफरी भाई, ठीक है अब? सानिया खुशी का लम्हा, हाँ, हमने उसकी भी हमेशा जमा यही समझा है सवाने, कि कोई वाह प्लेजेंट मोमेंट्स ऑफ लाइफ उसको अच्छा कहते हैं, सवाने हयात, ये मेरी सवाने हयात है, सवाने उम्री भी कहा सवाने जाता उम्री है है कि मेरी जिंदगी के प्लेजेंट लम्हात। इसको गम से क्यों जोड़ा गया है? वो तीसरा किसी ने कहा होगा यार मेरी तो सवाने उम्री यही है, मेरे साथ तो ये सानिया हुआ, ये सानिया हुआ, ये सानिया हुआ। अब सुन रहा था कोई अहमक पास खड़ा, तो उसने जाके बताया होगा कि ये ट्रेजेडी को कहते हैं। ए आवाम तक, पब्लिक तक तो चलो ठीक है, लेकिन बड़े बड़े न्यूज चैनलों के बीच भी जिहड़े ने इसीलिए इसीलिए कहते हैं। दो चीजें हैं, एक होती गलतुल अवाम कि ये तो अवाम इसे गलत इस्तेमाल करते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं, मसलन खाने पर पल पड़ा, ये गलतुल अवाम है, पढ़े लिखे लोग खाने पर पल पड़ा नहीं कहेंगे, वो कहेंगे खाने पर पिल पड़ा, तो ये गलतुल अवाम है। लेकिन बास चीजें गलतुल आम भी हैं, गलतुल अवाम भी हैं, तो ये गलतुल आम है, यानी अल्लाह आपको शफा दे भाई, इसका मतलब पता है आपको? ये तो की मतलब है, अल्लाह आपको मौत दे, अल्लाह आपको कब्र में उतारे, आप मरे कहीं जाते, आइंदा ना कह रहा, आप हमेशा कहती रहती है हमारे को क्या की मन समझ नहीं लगी है। शिफा है लफ्ज, अल्लाह आपको शिफा दे जी, शिफा मींस अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, नहीं हम ठीक कहते हैं, शिफा इज मौत। तो सर इस पे कोई हम भी सिफाई कहते हैं, हम वो ठीक कहते बैठी हैं, अथॉरिटी अथॉरिटी बैठी होर को कहां गुड्डा पाया जी, तो में आप रह गए, सिर्फ और सिर्फ हां जी मायरा को पता था। सर मायरा ने तो तुसी फेवर करना ही है, वो आजकल जरा वो शहर है, वो मायरा नहीं है, तुम्हें पता आम भी उन जी बैठ पाई हो यानी कि अपने दिल को आसरा देता है, कुड़ी एक के दो ना रखे ने, ओदे लड़ पेंदे ने, इतना हंसी जान डे। अच्छा जी, दोराई का आखिरी लफ्ज वजीर, वजीर, वजीर का मतलब है बादशाह, वजीर मजदूर को कहते हैं। क्या हुआ? ये उन जिधर कहते ने के वजीर आजम पाकिस्तान थे, वो कहते वो सबसे बड़ा मजदूर, वाह मजदूर अव्वल। अच्छा जी, ये और ये मजदूर का भी मतलब नहीं बड़ा मजदवर है जी, यानी कि ओदा भी एक हो रे कोई, लेकिन गलत तो नहीं है मजदूर, लेकिन मजदवर ये देख, और वो भी बड़ी मेहनत कर रहा होता है भाई, मजदूरी कर रहा होता है जी, जिन्हें रस्ते च मकान बन रहे ने बाहर वजीर ही लगे होंगे ने इटा बना रहे, एक मकान में देखा मियां असलम बना रहे हैं, एक मकान ते अलीम खान चढ़िया सी और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के उत्ते बुजदार बैठा मजदूर। पहला लफ्ज मुहावरा है धाड़े मारना, भड़का मारना, धाड़े मार मार के रोना, यस धाड़े मार मार कर रोना, रोना। आप क्या कह रही सर? ये दाड़े हैं, मोलर्स, हाँ ये धाड़े नहीं है, दाड़े हैं, जब रोते रोते आपके दांत बजने लगे जी, जिसको दंदल कहते हैं, ये कैफियत तारी हो जाए
उसको कहते हैं, वो तो बेचारा दाढ़े मार मार कर रो रहा था, यानी दांतों के बजाय दाढ़े 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 नो शेर के धाड़ने से नहीं है। ओके 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 ओके, तो उसने तो धाड़ कर जवाब दिया, ये रोर है शेर की धाड़, लेकिन धाड़े मार मार कर रोना ये रिडिकुलस है, दाढ़े मार मार कर रोते हैं, दांत बचते हैं जिस पर। लाला तेनू याद है ना, तू किथे रहना? अगला लफ्ज है बब्बू, बब्बू राणा उसका नाम है, बब्बू एक लफ्ज है। सारे लफ्ज है वाकई? हाँ जी, बब्बू लफ्ज है संस्कृत का। एक वैसे कीड़ा भी होता है बब्बू, 15-20 टांगों वाला होता है, वो सुंडी सी होती है, वो भी इसी की किस्म है जो आप कह रहे हैं, 15-20 नहीं होती, 100 टांगे होती है, उसको कहते हैं सेंटीपीड। असल में गिन रहे थे तो निकल गया सी। सेंटीपीड का मतलब पैर, सेंटी का मतलब 100, मिलीपीड उसको कहते हैं, हजार टांगे होती है, ओदा काम ते मालशिया नहीं फटदा होना। एक्चुअली हजार नहीं होती, बेशुमार होती हैं, उसको मिलीपीड कहते हैं। अब बैठ के टांगे गिनने नहीं बैठ जाते। सर वैसे बब्बू का बता रहे थे, वो क्या है? बब्बू, बब्बू का मतलब है प्यारा, अल्लाह को, छोटे बच्चे को प्यारा, अल्लाह को प्यारा सा बच्चा, बालक। और इसका मंबा है। अरे मंबा की हुंदा भाजी, ये मंबे ने ये तानू बहुत तंग करना। नहीं, मंबा सोर्स को कहते हैं। मंबा इसलिए पूछ रहे क्योंकि ताड़े बड़े थे तंबा बजाउंदे ना। अच्छा तंबा नहीं होता, वो क्यों होता जी? तंबूरा। और तंबूरा ये नहीं होता, तंबूरा ये होता है। अगला चंगी भली जोगत करदा नु 10 मिनट खोल के रख देंदे, जे ते तंबा है ये तंबूरा है, ये वो स्टूला है, ये कटूना है। मेरा कप वापस कर। इजाजत है जी? जी सर। बब्बू प्यारा, बब्बू का मंबा, मंबा मैं बता रहा था सोर्स, बब्बू का मतलब तो अच्छा हो गया। ये किस जरिए से आया, ये रूट क्या थी, जड़ कहां थी, आया कहां से यार, आना उसको मंबा कहते हैं। जैसे दरिया इब्तदान एक चश्मा होता है छोटा सा जी, दरिया में बता रहा हूं, बारीक सी एक लकीर नुमा चीज आ रही है, नाली नाली, और फिर देखते ही देखते वो अबासीन बन जाती। ओहो, अच्छा जी, एक अबासीन भी है। अबासीन हमारे दादा हुए हैं, और वो दादा इतने वाला है कि वो सारे मुल्क में फिर फिरा के ना एंड पे पता नहीं कहां जाके गिर जाए। कई नाले नालियां भी दादा में पड़ती हैं। जो आपके पास से दरिया गुजरता है बड़ा खूबसूरत दरिया, दरियाए नील, दरिया कुनहार है, कुनहार गड़ी हबीबुल्लाह के पास गिरता है स्वात का जेलम में। और ये पहला दरिया जो सिंध च नहीं गिरा, ये किस में गिरा है? तुझे खुद ही कह रहे हो जेलम च, तो जेलम किस में गिरता है? लो जी जेलम फिर अगे जा दो, तुझे सारे मार दो तुझे। बब्बू दा की जेलम पे करता है इसको, बब्बू दा मंबा है बेब। हां जी, ओ माय गॉड, बेब राणा, हाउ यू डूइंग? बेब बरवज ने सेब, ये संस्कृत का लफ्ज है, बेब का मतलब है बड़ा प्यारा, खूबसूरत, मिठू सा, लाडला सा बालक। और ये फर्मा बरदार भी होता है, बेब फर्मा बरदार बच्चा, इसी से क्या निकला बेब, उसको कहते हैं ना करीना कपूर। और क्या निकला? वो बेबू है, बीबा राणा। कि ये तो बीबा राणा है, बीबा राणा। क्या सोच के आपके घर वाले बीबा बच्चा कहते हैं? बीबा नहीं, प्रोफेसर भाई तुम ना बड़े सस्ते सस्ते लफ्ज लेके आए हो यार। बब्बू लेके आए हैं सस्ता, वाकई सस्ता ही है आज का शेर। एज यूजुअल सुना देता हूँ बीच में। जी सर, जी। एंडिंग मैंने शेर पे नहीं करनी, ठीक है सर? और अब मैं बीच में ही सुना दिया करूंगा। जी सर, आज का शेर गायर साहब का। किसका जी? गायर, काशिफ हुसैन गायर। मैं अंधेरे में भी दिखाई दिया, वाह वाह वाह, मैं अंधेरे में भी दिखाई दिया, मुझ पे पड़ती थी रोशनी उसकी। वाह, समझ आई? अगला लफ्ज है बंदर। बंदर के दो माने हैं, एक होता है जानवर, ये जो बंदर है, बन बन बंदर गा भी तो है। जंगल जंगल जी। दर अंदर, यानी जंगल के अंदर जंगल रहने वाला जो जानवर है उसको बंदर कहते हैं, और पंजाबी में उसको बंदर को बांदर कर दिया गया। क्यों जी? ठीक है, एक बंदर है बंदरगाह, उसे क्यों बंदरगाह कहते हैं? बंदरगाह गलत है। अच्छा जी, सिर्फ बंदर, पोर्ट उसी बंदा मलासे थे जिन्हें गाह कोलो पाया।
मुझे लग रहा है मैं सारा फरंगी असफिया जफरी खान के लिए कर ठीक है मैं उसी को एड्रेस करता जा रहा हूं क्योंकि ये अल्फाज हम पहले कर चुके हैं जी सर पता उन्होंने इथों सीधे एयरपोर्ट पे जाना है नहीं लेकिन मेरे नॉलेज बहुत इजाफा हो रहा है आप तसव्वुर करें एक साल बाद आप कहां खड़े होंगे आपने मास्टर्स की डिग्री कर लेनी आते मैं कह दिया को बैग मम्मी पीछे चाटा खान दिया होगा तुसी आगे बैठ के भी खा सकते हो पति नजरात लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए बहुत जबरदस्त मंदिर का तो बताया कुछ नहीं वो बीच में अब इतने सारे वो होते हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी अरबी मिस का लफ्ज कुछ मतलब और होता होगा क्योंकि वहां लोगों के नाम भी होते हैं क्या बंदर बास अच्छा पता नहीं फिर हो सकता कुछ और हो वो भी जगह का नाम है ना बंदर बास भी दुबई के पास ही है हमें काम करते हैं हम इस वीडियो के किससे क्या था वो लफ्ज तवस्सुत हाँ से हम उनको भेजते हैं ये हम सवाल भेज देते हैं उनसे कि जी ये बंदरगाह जो है वो क्या है अरबी में कोई अगर आपको पता है इसका मतलब तो वो भी बताएं लोगों के नाम होते हैं शेखों के नाम क्यों होते हैं वहाँ पे बंदरबाज जगह का नाम है ये इसके बारे में भी जरा रोशनी डालें इस पे भी हमें भी पता चले लेकिन बड़ा मजा आया जो है किया आप भी देखिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें तो आप याद रखें अल्लाह हाफिज़